नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। देश भर में आज दीपावली की पर्व की धूम, आज घर घर हो रही मां लक्ष्मी की पूजा। फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। नौशेरा के रणबांकुरों के बीच पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा भारत अमर था, आने वाले हजारों साल भी रहेगा अमर। सरकारें आती जाती रहती हैं, देश शाश्वत है। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने दी राहत। केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाई एक्साइज ड्यूटी। कई राज्यों ने भी किया कटौती का ऐलान। इधर मुख्यमंत्री गहलोत ने मोदी सरकार से की अपील, कहा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और कम करे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें राजस्व नुकसान उठाने को तैयार। राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं, कहा सभी के जीवन में खुशियां लाए दीपोत्सव, सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील। दीपावली की बहुत बहुत राम राम, मेरी शुभकामनाएं आप सबको, आप लोग आराम से खुशियों से दीपावली अपने परिवार के साथ मनाएं। प्रदेश में तय समय से पहले और बाद में पटाखे जलाना पड़ सकता है महंगा, पटाखे सिर्फ 2 घंटे के बीच, नहीं तो 2000 का जुर्माना। पूरा होगा पीएम मोदी का केदार संकल्प, कल केदार धाम जाएंगे पीएम मोदी, 310 करोड़ की देंगे सौगात। बिहार में 21 की मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका, गोपालगंज में 13 और बेतिया में 8 लोगों की गई जान, 10 की हालत 16 की हालत गंभीर। कोटा प्रवास पर स्पीकर ओम बिरला, मेडिकल कॉलेज अस्पताल का किया दौरा, लचर इंतजामों पर जताई नाराजगी, व्यवस्था के लिए 8 से 10 लाख की राशि कराई उपलब्ध। भरतपुर में नाबालिग बच्चे से यौन शोषण का मामला, आरोपी जज जितेंद्र सिंह गुलिया को किया मजिस्ट्रेट के सामने पेश, 6 नवंबर तक भेजा पुलिस रिमांड पर।